आपके पटियाला में जुलूस निकालने के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी और इसके बाद अब पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। मिली जानकारी के अनुसार दो अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए संगठनों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। इसके बाद बवाल मच गया। पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च पर सिख और हिंदू संगठन आमने सामने आ गए। हिंदू संगठन मार्च निकालने की तैयारी में थे और इसी दौरान कुछ सिख संगठन इनका विरोध करने लगे। इसी वजह से माहौल इतना बिगड़ गया कि दोनों ही पक्षों के बीच पथराव की स्थिति हो गई, पथराव हो गया। इस बीच SHO को हाथ में चोट लगी है। इसके बाद हालात संभालने के लिए SSP ने हवाई फायरिंग की। फिलहाल यहाँ माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस ने सिख संगठनों को प्रदर्शन करने और हिंदू संगठनों को मार्च निकालने से रोक दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं उसके बाद अब यहाँ हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। हालांकि पंजाब के CM भगवंत मान ने ये कहा है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।